खरगोन में नगर पालिका प्रशासन द्वारा डाली गई सीवरेज लाइन अब लोगों की मुसीबत बनती जा रही है। आपको बता दें कि नगर में सीवरेज लाइन डालने के लिए खुदाई की गई थी, लेकिन गड्ढों को दुरुस्त नहीं करने की दशा में लोग जोखिम भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। शहर की वृंदावन कॉलोनी में एक ट्रैक्टर फंस गया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि बार बार शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम बाल मुकुंद पर। क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर? अरे यहाँ जो है वो सीवरेज लाइन का गड्ढा खोदा था, 15 फीट मिट्टी सब 10 दिन पोला हो गया है। कितने दिन हो गए पोला होने को? अरे पोला तो अभी क्या है कि जब खोदा ना पाइपलाइन, जब मालूम पड़ा जरा लगाया कि नीचे बस से चला गया, तभी कहीं धरसा हुआ दिखे आप? दुर्घटना हो रही है? जगह धसी है कहीं? अरे कहीं जगह धसी है? जगह धसी है ना वहाँ सामने मुरली घर के पास। क्या नाम है आपका? बाल मुकुंद पारा सर। आज से 5-8 महीने पहले यहाँ पर एक सीवेज लाइन डाली गई थी जो 22 फीट लगभग गहरी थी, तो उसका भरावा जो अच्छे से नहीं हुआ था, उसके बाद में इसे अच्छे से दवाई भी नहीं करते हुए इन लोगों ने यहाँ पर सीमेंटीकरण कर दिया, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम चलते आ रहे थे, तो अभी यहाँ पर नल की लाइन डाली गई, ठीक है। वो वाइब्रेटर के द्वारा यहाँ पर कंपन करके सीमेंट की रोड को फिर से फोड़ा गया था, और उसके बाद में इसका वापस सीमेंटीकरण कर दिया गया। इस बीच में यहाँ से एक बड़ा वाहन निकला और ये रोड धस गई। शिकायत की नगर पालिका में आपने? हाँ, नगर पालिका में महीने भर से हम शिकायत कर रहे हैं, जोर से लेकर 3 बार वहाँ पर जा चुके हैं। लिखित में भी शिकायत दी थी वहाँ पर, हम लोगों ने, तो अब उसके बाद में वहाँ से कोई कार्रवाई हुई नहीं। और आज सुबह मैंने, अभी क्या परेशानी हो रही है आपको? अभी यहाँ पर कुछ भी जनहानि हो सकती है, आप खुद ही देखिए ना, यहाँ पर कुछ भी बड़ा वाहन निकला, 22 फीट गहरा गड्ढा है, दवाई अच्छी सी हुई नहीं, कितने भी नीचे जा सकता है, कोई पशु निकले यहाँ से वो भी नीचे दब सकते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल कंठालिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।